नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज सेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब त्रिपुरा से आ रही। जी हां, त्रिपुरा में आज और कल यानी कि 28 और 29 को जेपी नड्डा का दौरा है। जेपी नड्डा दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं, दो दिवसीय दौरे पर। वहां पे देखिए 2 दर्जन से ज्यादा देखिए जनसभाएं करेंगे, रैली करेंगे। अब इस बीच देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है त्रिपुरा में। अब इन जो दो नेता गए थे यानी कि अब्दुल बसीत, जिन्होंने कल शाम को ही रिजाइन किया टीएमसी से, और जो सुबल भौमिक हैं, उन्होंने जो 2-4 दिन पहले उनको निकाला गया था, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनको निकाला गया था। अब वो दोनों देखिए भाजपा में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा की अगुवाई में। यहाँ पे जेपी नड्डा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको दोनों को बीजेपी में शामिल किया जा सके। जी हाँ, क्योंकि देखिए दोनों नेता त्रिपुरा में काफी बड़ा नाम है। अब्दुल बसीत भी काफी पुराने नेता है त्रिपुरा के, निर्दलीय लड़ते थे। अब यहाँ पे देखिए जो सुबल भौमिक है वो टीएमसी के उपाध्यक्ष थे, उनको भी देखिए पार्टी ने निकाल दिया। अब जो ममता बनर्जी का सुपड़ा है वो त्रिपुरा से साफ हो गया है। और देखिए बड़ी खबर ये भी आ रही है कि त्रिपुरा में देखिए इस साल चुनाव है। अब इनको देखते हुए टीएमसी को देखिए ये करना चाहिए था कि चुनाव आ रहे हैं तो बल्कि जो बड़े बड़े नेता है उनको अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन देखिए ममता बनर्जी की तानाशाही की वजह से ये दोनों देखिए पार्टी से, एक को निकाल दिया गया और एक खुद ही रिजाइन करके जा चुका है। अब देखिए भाजपा ने इसमें काफी बड़ा असर निकाला है, क्योंकि देखिए भाजपा तो अवसरवादी पार्टी बन चुकी है। जहां कोई भी देखे, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का जाता है वो देखिए वहां पे पहुंच जाती है, उनका भाजपा में मिलन करा लेती है। और ऐसे ही देखिए त्रिपुरा में अब्दुल बसीत और सुबल भौमिक का यहाँ पे भाजपा में विलय होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा आज जा रहे हैं त्रिपुरा और कल भी त्रिपुरा में रहेंगे। और इन 2 दिनों में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दोनों नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं और ममता बनर्जी को करारी चोट यहाँ पे भाजपा देने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी अब त्रिपुरा में बिल्कुल सिपट चुकी है। यहाँ पे उनका कोई नेता कुछ खास बता नहीं जो कि त्रिपुरा में जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें चोट कर सके भाजपा पे। तो इसलिए देखे कि यहाँ पे भाजपा ने काफी अच्छा अवसर निकाला है। बहरहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे जो टीएमसी लगातार वेस्ट बंगाल से भी खत्म होती जा रही है और त्रिपुरा से खत्म हो चुकी है, तो इसमें गलती किसकी है? ममता बनर्जी की गलती है या फिर पार्थ चटर्जी की गलती है, क्योंकि जिनकी वजह से टीएमसी की छवि इतनी खराब हुई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ सेशन।